इन तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक कार आग का गोला बन दहक रही है। वही कार में उतरी इन लपटों को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। चलिए एक नजर डालते हैं इस खबर पर। तस्वीर को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से ये कार आग का गोला बन दहक रही है। वही कार में उठती इन लपटों को देखकर हर कोई दंग रह गया। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी आपकी? ऑल्टो के 10। कैसे लगी आप? चलते चलते लगी, इसमें क्या पता कैसे लगी। अच्छा, सीएनजी है या पेट्रोल? पेट्रोल। अच्छा, कब ली थी गाड़ी? ये 2018। अच्छा अच्छा, तो फायर ब्रिगेड को आपको मैं पूछना दी थी। ये फायर ब्रिगेड को आपने पूछना दी थी? हां हां, कोई हताहत तो नहीं हुआ? अचानक लगी कार में घटना स्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। साथ ही आपको बताते चले कि कार में आग लगने के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। कार स्टेशन हैलट रोड पर हमारे पुलिस कंट्रोल रूम 40 से सूचना मिली कि कार रोड पर जिलाधिकारी मुरादाबाद महोदय के आवास के आसपास एक गाड़ी में आग लगी है। इस सूचना पर हमारी फायर सर्विस टीम तत्काल अग्निकांड स्थल पर पहुंची। वहां पर जाकर के देखा कि वहां पर लोकल पुलिस मौजूद था तथा हमारी जो यूनिट है उन्होंने तत्काल पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग बुझाने के उपरांत जानकारी में आया कि जो उसमें लोग सवार थे वो आग लगने से पहले ही निकल गए थे तथा हमारी टीम ने जो उसको पूर्ण रूप से बुझाया गया। बुझ जाने के बाद में जानकारी आई कि जो आल्टो गाड़ी थी उसका जो पंजीकरण नंबर था UP 21BY 1765 और उसमें आग लगने पर हमको सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं। सर, क्या कारण रहा आग लगने का? इसमें ये रहा क्योंकि जो हमारे वाहन हैं उनकी एक लिमिट होती है गर्म होने की, संभवतः वो ओवरहीट हुई होगी और ओवरहीट होने से उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। इसी से जब वहाँ से जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो संभवतः उसमें जो फ्यूल है कहीं ना कहीं उसके लीकेज होने की संभावना हो सकती है, तो फ्यूल लीकेज होने से उसमें पेट्रोल ने आग पकड़ लिया और आग गाड़ी को अपनी चपेट में ले ली।